फाइनली बीजीएमआई के अंदर डिफॉल्टली 60 fps प्रोवाइड करने वाला फोन जो कि आप लोगों को 15,000 में देखने को मिले लॉन्च हो गया है, जिसका नेम है रियलमी का P1 5G। ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेक्स लेके आता है एंड ये स्पेक्स कहीं से कहीं तक 15,000 की बिल्कुल नहीं लगती है। तो अगर आप लोग भी भाई 15K के आसपास एक अच्छा खासा गेमिंग फोन लेने का सोच रहे हो, उस केस में ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाले फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर करना कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखो। तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इस वाली वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग ही हम लोग इस वाले फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस से कर लेते हैं। इस फोन के अंदर आप लोगों को मीडियाटेक डायमंडसिटी 7050 देखने को मिलता है, जो कि 15K के सेगमेंट के अंदर आप लोगों को इस टाइम पे बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 2.6 GHz पे क्लॉक्ड है एंड इसमें आप लोगों को भाई 6 लाख प्लस के एंटीटू स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को BGMI जैसे FPS गेम्स के अंदर 60 FPS डिफॉल्टली सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। BGMI में इस वाले फोन में आप लोगों को हाईएस्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स HDR के साथ अल्ट्रा देखने को मिलेगी। बाकी स्मूथ के साथ आप लोग इजीली एक्सट्रीम वाला गेम प्ले यानी कि 60 FPS का गेम प्ले कर पाओगे एंड फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर इन लोगों ने फोन में दे रखा है। आराम से ये वाला फोन 60 FPS हैंडल करेगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी गेमिंग को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर आप लोगों को वीपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस वाले फोन की हीटिंग को कंट्रोल करने में आप लोगों की हेल्प करेगा एंड अगर फोन हीट नहीं करेगा तो फोन की परफॉर्मेंस आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस वाले फोन में भी आप लोगों को एंटीना अरे मैट्रिक्स 2.0 सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों के फोन की परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट करेगा, जिस वजह से आप लोगों को गेमिंग वगैरह करने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप लोग स्मूथली गेम इसमें खेल पाओगे। प्लस अनलाइक अदर स्मार्टफोन जो कि आप लोगों को 50K में जायरोस्कोप प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस फोन में आप लोगों को फुल्ली फंक्शनल जायरोस्कोप का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो जायरोस्कोप के प्लेयर हो उस केस में तो आप लोगों को इस वाले फोन को परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस भी फोन का बढ़िया है, आप लोगों को एज सच कोई डिले वगैरह फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी तो हो गई भाई हमारे फोन के गेमिंग फीचर्स के बारे में बात। अब अगर इस वाले फोन के अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो फोन में आप लोगों को 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। 5000 mAh की बैटरी है जिसे चार्ज करने के लिए 45 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देखो 15K में 45 वॉट भी बहुत ज्यादा आप लोगों को लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स जो कि आप लोगों को 15K में देखने को मिलते हैं वो मैक्स टू मैक्स आप लोगों को भाई 30 वॉट की ही चार्जिंग सपोर्ट करवा पाते हैं। कैमरे के बारे में बात कर ले तो 50MP का डुअल कैमरा सेटअप आप लोगों को फोन में बैक में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 16MP का एक सेल्फी कैमरा भी दे रखा है एंड फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट है, आप लोगों को बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस तो ये वाला फोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बट इसे इन लोगों ने एज अ कैमरा फोन भी लॉन्च नहीं किया है, फोन को परफॉर्मेंस फोन जैसा लॉन्च किया गया है, तो आप लोग इसे परफॉर्मेंस के लिए कंसीडर कर सकते हो। बाकी स्टिल कैमरे की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अगर आप लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फोटोज वगैरह खींचते हो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है एंड 15K के हिसाब से फोन अच्छी फोटोज निकाल लेता है। इन सभी फीचर्स के अलावा फोन में आप लोगों को रेन वाटर टच का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, प्लस ऐसे ही और कई सारे नए फीचर्स रियलमी ने इस वाले फोन में डाल के आप लोगों को दे रखे हैं। फोन का डिजाइन भी मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, स्पेशली भाई इसका फियोनिक्स रेड कलर। 15K के आसपास वैसे ही आप लोगों को रेड कलर में कोई भी फोन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए ये चीज देख के भी अच्छा लगा कि किसी कंपनी ने फाइनली भाई रेड कलर को भी ट्राई किया इस वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर। अब अगर हम लोग इस वाले फोन के प्राइस के बारे में डिस्कस कर लें, इस वाले फोन का बेस वेरिएंट यानी कि 6 128 GB रैम वाला वेरिएंट आप लोगों को 16K में देखने को मिलने वाला है, जिसे आप लोग ऑब्वियसली कार्ड वगैरह लगा के 15K में परचेस कर सकते हो। 8 128 वाला वेरिएंट आप लोगों को 17.5K में देखने को मिल जाएगा, जिसमें भी आप लोग 1000 माइनस कर सकते हो अगर आप लोग कार्ड वगैरह लगा सकते हो तो, एंड 8 128 की प्राइसिंग आप लोगों को 19K देखने को मिलेगी। फाइनली अगर बात कर ले कि आप लोगों को इस वाले फोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सो मेरे अकॉर्डिंग 15K में अगर आप लोग एक अच्छा स्मार्टफोन चाहते हो जिसमें आप लोग अच्छी खासी गेमिंग कर पाओ, उस केस में डेफिनेटली आप लोग इस वाले स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। जब मैं इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे ऐसा एक भी स्मार्टफोन 15K में अवेलेबल नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस इस वाले फोन से अच्छी हो। उनका प्रोसेसर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है, जिस वजह से गेमर्स या फिर एडिटर्स इस वाले फोन को परचेस कर सकते हो। स्पेशली BGMI के अंदर भी आप लोगों को 60 FPS का डिफॉल्ट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि लिटरली 1.5 ईयर से मिसिंग था 15K के प्राइस सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा फोन के ओवरऑल फीचर्स भी आप लोगों को अच्छे देखने को मिल रहे हैं, फोन का डिस्प्ले बढ़िया है, फोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एंड 15K के हिसाब से कैमरा भी अच्छा खासा दे रखा है, तो ओवरऑल भी आप लोगों को एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है 15K में। तो अब जिन भी लोगों का इस वाले फोन को परचेस करने का मन बन गया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि फोन को आप लोग पहली ही सेल में परचेस मत करो, इस वाले फोन की एक दो सेल हो जाने दो, उस टाइम तक के YouTube पे कई सारे रिव्यू वीडियोस डल जाएंगे जिससे आप लोगों के फोन की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। देखो बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में भाई कोई फोन परचेस कर लेते हैं एंड बाद में उस वाले फोन में कोई प्रॉब्लम निकल जाती है, तो मेक श्योर करना कि थोड़ा बहुत वेट कर लेना यार, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इससे अच्छा फोन आप लोगों को 15K में देखने को मिल जाए। वैसे भी Vivo का T3X आ ही रहा है इसी वाले
सेगमेंट के अंदर, जिसकी स्पेक्स भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, तो उसका वेट भी आप लोग कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड यू नो द ड्रिल भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों चीजें आप लोग कर देना। 10K के हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।